रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बट गाने में अंडरस्टैंडिंग कम होती है क्योंकि प्रोफेशनल काम है। पर फिर भी कुछ रोमांटिक और कुछ कंटेम्प्रेरी बनाने का इरादा था, और इस हिसाब से हमने इसको बखूबी निभाया है और अच्छा पेश किया है। मराठी, उर्दू, हिंदी लफ्ज़ों का मिश्रण किया है इसमें। और बिंग महाराष्ट्रियन, ये गर्व की बात है कि हम मराठी के लिए, महाराष्ट्र के लिए कुछ करें। लकीली लास्ट ईयर मैंने, क्या सुपर कूल है हम फिल्म में, मैंने और रितेश देशमुख ने हम तो है कैपेचिनो, यूपी बिहार लूटने, वो गाना हमने गाया था दोनों ने, सुखविंदर जी और दलेर जी भी थे साथ में, तो मैंने और रितेश जी ने मराठी पोर्शन गाया था। उसके बाद में मराठी इंडस्ट्री से काफ़ी मुझे सराहना मिली और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है, लव लव स्टोरीज़ का दौर चल रहा है, रोमांटिक फिल्में बन रहे हैं, तो एक रोमांटिक गाना बनाया जाए। मनीषा केलकर ने सपोर्ट किया, विजन प्रोमोटेनमेंट सब सपोर्ट करते हैं तो और जोश आता है करने के लिए। फॉर मी और आफरीन तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इस गाने को लेकर एक मेलोडियस लव सॉन्ग है ये, तो एक दिल को छूने वाला गाना है एंड डेफिनेटली इस एल्बम का पहला सॉन्ग है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं और स्वरूप जो मेरे बहुत पुराने दोस्त रह चुके बहुत पुराने दोस्त हैं, हम दोनों इस गाने में एक साथ फीचर होने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड।